जो कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, सरकार सुरक्षा व्यवस्था बहाली है। नकली सिंघम कहा है सर, नकली सिंघम कहा है, राउत ने चैलेंज दिया सर आपको। अरे भैया, हमारी सरकार में जब आरोपी पुलिस पर गोली चलाता है तो बोलते पुलिस ने क्यों गोली चलाई, क्या पुलिस ने गोली खानी है? पुलिस सामने वाला आरोपी अगर पुलिस पर फायरिंग करता है, ये बदलापुर में, तो ये दोगली डबल ढोलकी वाले लोग हैं, दोनों बाजू से बजाते हैं, उनको कोई नैतिकता नहीं है। बदलापुर वाले केस में एक छोटी बच्ची पे अत्याचार हुआ, उस आरोपी की बाजू लेने वाले ये लोग, ये क्या कानून की भाषा करते हैं? ये कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है, और बाबा सिद्दीकी जिसके ऊपर जिन्होंने हमला किया, हत्या हुई है, एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे, सभी को फांसी लगाएंगे। जो कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, सरकार सुरक्षा व्यवस्था बहाली है। नकली सिंघम कहा है सर, नकली सिंघम कहा है, राउत ने चैलेंज दिया सर आपको। अरे भैया, हमारी सरकार में जब आरोपी पुलिस पर गोली चलाता है तो बोलते पुलिस ने क्यों गोली चलाई, क्या पुलिस ने गोली खानी है? पुलिस सामने वाला आरोपी अगर पुलिस पर फायरिंग करता है, ये बदलापुर में, तो ये दोगली डबल ढोलकी वाले लोग हैं, दोनों बाजू से बजाते हैं, उनको कोई नैतिकता नहीं है। बदलापुर वाले केस में एक छोटी बच्ची पे अत्याचार हुआ, उस आरोपी की बाजू लेने वाले ये लोग, ये क्या कानून की भाषा करते हैं? ये कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है, और बाबा सिद्दीकी जिसके ऊपर जिन्होंने हमला किया, हत्या हुई है, एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे, सभी को फांसी लगाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।